आज हम जिस हलके के अंदर खड़े हैं, जहाँ से बिलाल हैदर भाई और हमारे दीगर साथी इलेक्शन की मुहिम को भरपूर तरीके से चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि शहर कराची के हर हलके से जमात के उम्मीदवारान, जमात के लोग मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और एक ऐसे निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं जो निज़ाम सालों से सिंध की आवाम के ऊपर और ख़ास तौर पर कराची की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कराची और सिंध के हर हलके से अपने उम्मीदवारान को खड़ा किया, जो आज बेहतरीन तरीके से इस मुहिम को, इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कराची के चंद इलाके ऐसे होते हैं कि जब जहां पर हम जाकर खड़े होते हैं तो उन इलाकों में कोई हमें अजनबियत महसूस नहीं होती, हमें वो इलाके अपने इलाके लगते हैं, वो इलाके जिनको जमात कराची शहर के अंदर अपना घर मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलका भी जमात के उन इलाकों में से एक है। ये बिरादरियाँ, ये रैलियाँ, ये लोगों की मोहब्बतें जो नॉर्थ आज़माबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और इस हलके में मौजूद तमाम इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं, ये बात साबित हो रही है कि आवाम ने इलेक्शन से पहले अपने नतीजे दे दिए हैं और अपना रिजल्ट सुना दिया है कि इंशाल्लाह ये हलके, ये घर, ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हलके हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। मैं बात करूँ नौजवानों की, मेरे सामने इस वक्त बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं, मर्दों में भी, ख़वातीन में भी, और यहाँ पर मौजूद तकरीबन 64% जो नौजवानों की आबादी पूरे मुल्क में समझी जाती है, हम किसी भी इलाके में जाएं तो उसका जो 64% बनता है वो वहाँ के नौजवान होते हैं। इस वक्त कराची के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो इस शहर के नौजवानों के साथ पेश आया वो मसला था इंटर बोर्ड के रिजल्ट्स। सबसे पहले मैट्रिक के रिजल्ट और उसके बाद इंटर बोर्ड के रिजल्ट। अभी मैंने बात की कि एक निज़ाम हम पर मुसल्लत किया हुआ है, मैंने भी बात की कि हमारे लोगों को यहाँ पर एक निज़ाम के तहत दबाया गया है। आप देखें ज़रा अलमिया कि इस शहर के तकरीबन 70% नौजवानों को हमारी नाअहल हुकूमत ने फेल कर दिया। ये वो शहर जो इल्मियत रखने वालों का शहर है, ये वो शहर जो एक नई सोच रखने वालों का शहर है, ये वो शहर जो कराची पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाया यूनिवर्सिटीज को पेश करने वाला शहर है, पाकिस्तान का वो शहर जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स मौजूद हैं। आपने इस कराची के 70% बच्चों को ये करार दे दिया कि जनाब ये फेलियर्स हैं, वो बच्चे जो माजी के अपने इम्तिहानात के अंदर 90% लेकर आगे बढ़े थे, आज आपने उनके मुस्तकबिल पर मायूसियां पेड़ने की कोशिश की। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ, कि वो नाम नेहाद जमातें जो ये कहती थी कि ये हमारा शहर, ये हमारे लोग, ये हमारे लोग, आज वो सियासी जमातें खामोश तमाशाई बनी बैठी रही, उस वक्त तक बैठी रही कि जब तक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवानों ने सड़कों पर कदम नहीं रखे, इंटर बोर्ड के सामने एहतजाज नहीं शुरू किए, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नहीं शुरू किए, उस वक्त तक ये लोग तमाशाई बने रहे। आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिस तरीके से कराची के एक एक मसले को अपना मसला समझती है, इसी तरह से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवान भी इस नौजवान मसले को अपना मसला समझते हैं। हम आज इख्तदार के अंदर मौजूद नहीं है, हम आज कोई वसाइल नहीं रखते, मगर उसके बावजूद हम समझते हैं कि अपने नौजवानों के हुकूक के लिए आवाज कैसे उठानी है, कहां तक पहुंचानी है, ऐवान कैसे हिलाए जाते हैं,
इंशाल्लाह आपका भरपूर तावंगा। 8 फरवरी को आपने, आपके बुजुर्गों ने, आप लोगों ने, आपके घर में मौजूद खवातीन ने, नौजवानों ने निकलकर अगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने वोट के जरिए कर दिया, तो हमारा ये वादा है कि कराची के नौजवानों के हुकूक पर कोई डाका नहीं डाल सकता। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अपने घरों से निकले, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को वोट देकर कामयाब बनाए और अपने नौजवानों का मुस्तकबिल संवारें। जज़ाकअल्लाह खैरा।